फैमिली के साथ में सब डायलॉग होते ही है। ये बाहर तो आने थे यार, पीछे थे। सबकी अच्छी है, फरदीन खान की भी अच्छी है। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी ज्यादा एंटरटेनिंग रही अकॉर्डिंग टू यू? फुल मूवी अच्छी है। बाहर इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहिए? कैसी लगी खेल खेल फिल्म आपको? थोड़े सा क्या देंगे? अच्छा लगा। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कितनी ज्यादा एंटरटेनिंग रही अकॉर्डिंग टू यू? दोनों मस्त। अक्षय कुमार की एक्टिंग बात करें तो उनकी एक्टिंग कैसी लगी? काफी यंग जनरेशन की डायलॉग मारते हुए दिखाई दिए, अच्छा लगा। दोनों तापसी पन्नू कैसे लगी? बहुत अच्छे लगे। अमीर उनका भी है इसमें, बहुत अच्छे सब लोग। कितने स्टार देना चाहेंगे इस फिल्म को? बहुत अच्छी। अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, बहुत सारी एक्टर हैं, वाणी कपूर, कैसे लगे उन सबकी एक्टिंग? सब अच्छे लगे, बहुत अच्छे। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सा ज्यादा एंगेजिंग? नहीं, वो फिल्म में पता ही नहीं लगा शुरू कब हुई खत्म हुई, शुरू से लेके बोर होने नहीं दिया। अक्षय कुमार को लेके काफी ट्रोल किया जा रहा था कि डायलॉग के लेके बहुत चीफ हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ जैसे फैमिली में होता है एंजॉय करने के लिए वही बोला जाता है। और सपोर्टिंग कैरेक्टर की बात करें तो उनकी एक्टिंग कैसी लगी अकॉर्डिंग टू? पंजाब के किंग भी नजर आए। हाँ हाँ, वो भी अच्छे लगे। तो इस फिल्म की कहानी की बात करें तो कितने आप रिलेट कर पाए अपने यंग जनरेशन के टाइम के? थोड़ा लेट हो रहा हूँ। कितने स्टार देना चाहेंगे? फिल्म कैसे लगी खेल खेल में? अक्षय कुमार की एक्टिंग की बात करें तो कैसे लगी? अच्छी थी एक्टिंग, अच्छी थी। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी ज्यादा एंगेजिंग रहा अकॉर्डिंग टू यू? मैं तो फाइव विद यू, ये भी देखिए लोगों की अपनी अपनी चॉइस है। एक्टिंग उसके डायलॉग को लेकर काफी लोगों को बोला गया कि कुछ ज्यादा यंग जनरेशन के डायलॉग दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, देखिए अपनी सबकी एज अलग अलग होती है, लेकिन अपनी एज में ऐसा तो होता ही है, ऐसा कुछ नहीं। फैमिली मूवी कही जा सकती है, चल सकती है। कितने स्टार देना पसंद है? मैं 5 में 5 दूंगी। अब लोगों की देखिए क्या कहना है, सबकी अपनी अपनी राय होती है कि सब लोगों देखो क्या पसंद है। ओके, लाइक ठीक है आपको? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल खेल खेल में फिल्म कैसे लगी आपको? मुझे ठीक लगी है, और ठीक है फैमिली पैक है, आप जा सकते हैं, लॉन्ग वीकेंड है और नाइस मूवी। ओवरऑल अक्षय कुमार की बात करें तो अक्षय कुमार का आई नो काफी फ्लॉप है, उसको देखने के लिए भी आए थे, बट स्पेशली फॉर फरदीन खान काफी टाइम बाद देखने को मिले। पंजाब के किंग भी नजर आ रहे हैं। या एंड तापसी पन्नू, ऑफ कोर्स तापसी पन्नू तो शी इज द बेस्ट एंड लुकिंग वेरी कूल। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी ज्यादा एंगेजिंग रही अकॉर्डिंग? आई थिंक फर्स्ट, सेकंड की बात तो मुझे ठीक ठीक लगा, वो एम स्ट्रेच किया गया है और टाइम पास थी बस बिकॉज ऑफ लॉन्ग वीकेंड, ठीक है देखना बनता है। तीन फिल्में रिलीज हो रही हैं, क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर पाएगा? हाँ, तीनों ही कर पाएगी क्योंकि बैक टू बैक आपका होता है कि आज ये कल वो, ऐसा काफी टाइम गैप के बाद ही आई है मूवी। तो इस फिल्म को कितने स्टार देना पड़ेगा? 3.5। थैंक यू। सर, खेल खेल में फिल्म कैसी लगी? खेल खेल में मूवी अच्छी लगी, थोड़ी हटके मूवी है, डिफरेंट है, और 25-30 साल पहले फोन नहीं थे तो निडर लोग जीते थे, वैसे लोग जीते थे। जब से फोन पॉकेट में आ गया है तब से जीवन में एक भय आ गया है, और यही पिक्चर में दिखाया है। अक्षय कुमार करीम खान भी है, बहुत बढ़िया। अक्षय कुमार का रोल अच्छा है, कॉमेडी भी है, और बहुत अच्छा सेंटीमेंट्स वेंटीमेंट्स दिखाए हैं, बहुत अच्छा दिखाया है। फरदीन खान बहुत दिन बाद आया, उसका रोल ठीक ही है। और सपोर्टिंग कैरेक्टर की बात करें, तापसी पन्नू भी हैं, वाणी कपूर भी हैं। सब देखिए, वाणी कपूर का रोल अच्छा है, सब जो थोड़ा थोड़ा रोल भी ले लें बहुत अच्छा है। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन से ज्यादा इंटरेस्टिंग? दोनों इंटरेस्टिंग है। गाने भी हैं इस फिल्म में? गाने तो देखिए, एक हिंदी में तो 4 लाइन वाला गाना है, बाकी पंजाबी में 2-3 गाने हैं, वो सबको गले नहीं उतरेंगे। मेरे को पंजाबी आती है तो मेरे को मजा आया। और कहानी की बात करें तो ऑडियंस कहानी देखिए, नई टाइप की कोई इंग्लिश मूवी होती है ना उस तरह बताई है। अक्षय कुमार को डायलॉग को लेकर काफी चीप बोला गया है। अशोक कुमार थोड़ा देखिए वल्गर कॉमेडी है थोड़ी, लेकिन अक्षय कुमार का एक दो डायलॉग बहुत अच्छा है। उसकी बेटी के साथ उसका एक वार्तालाप है फोन में, बहुत दिल को छू जाता है। देखिये मेरे हिसाब से इस फिल्म को 3.5 स्टार बनते हैं। बाकी मतलब उतना बहुत ज्यादा बैठा के रखे वैसा नहीं है। और
और एक साथ तीन फिल्में रिलीज। हाँ, क्या लगता है देखिए, मतलब ऑटोमेटिक एक डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया। अब स्त्री का मीडिया बता रहा है कि स्त्री का एडवांस बुकिंग बहुत ज्यादा हुआ है, अब वेदा का थोड़ा कम हुआ है, और अक्षय कुमार को तो थर्ड ग्रेड दिया है, लेकिन माउथ पब्लिसिटी से हमको लगता है कि अक्षय कुमार सेकंड में तो आ ही जाएगा। मुझे तो अच्छी नहीं लगी पिक्चर, क्योंकि मैं दम नहीं है, स्टोरी में दम नहीं है, खाली मोबाइल के ऊपर जो गेम खेलते हैं उसमें सब सीक्रेट भारत है, वैसा है सब, आर्टिस्ट वेस्टेड है इसमें। अक्षय कुमार इसमें भी फ्लॉप हो जाएगा पिक्चर। अक्षय कुमार के डायलॉग को लेकर काफी वायरल, कॉमेडी में समझे उनकी चीप, जिस तरीके से लड़कियों को ताड़ रहे हैं, कहा जा रहा है स्टेज में है। हाँ, लेकिन फिर भी पिक्चर में जो क्या मेन स्टोरी होती है उसमें स्टोरी कुछ भी नहीं है, तो सब आर्टिस्ट भी वेस्टेड है मेरे हिसाब से। खाली एक ही तो जो कॉन्सेप्ट है मोबाइल का, जो मोबाइल के ऊपर गेम खेलते हैं वो सब सीक्रेट बाहर आते हैं, उससे झगड़ा बगड़ा सब। केमिस्ट्री की बात करूँ तो कैसी लगी केमिस्ट्री? दोनों हस्बैंड वाइफ सब जो बनते हैं केमिस्ट्री ठीक है, ऐसा नहीं पिक्चर चलेगी नहीं। आज तीन तीन फिल्में रिलीज, क्या लगता है आपको? मुझे क्या, मेरे ख्याल से इससे बाकी की जो मूवी है वो बेटर रहेगी इससे। इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहिए? दो दो। फर्स्ट ऑफ ऑल, खेल खेल में फिल्म कैसी लगी आपको? खेल खेल में बहुत, एक फिल्म है अबाउट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, तो इट इज़ नॉट एट ऑल अ फैमिली ओरिएंटेड फिल्म। मैं तो एक बड़ा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, प्लीज़ डोंट गो एंड वॉच दिस फिल्म विथ योर फैमिली। बहुत अलग कंसेप्ट है एंड डार्क शेड्स हैं, हर कैरेक्टर के पीछे एक डार्क शेड है, तो मुझे ये लगा। पर द प्लस पॉइंट ऑफ द फिल्म, ये फिल्म है ना, एंटरटेनमेंट बहुत है। एंटरटेनमेंट कैसे, जो डायलॉग डिलीवरीज है, जो पंचेस है, डायलॉग लाइंस है, जो कॉमेडी सीन्स है, फर्स्ट फ्रेम टू द लास्ट फ्रेम, ओह माय गॉड, जो पंचेस है वो फंटेस्टिक। जैसे स्त्री टू मैंने देखी है एग्जैक्टली द सेम, तो दिस इज व्हाट प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट, दिस इज व्हाट आई से। कहानी है, कहानी के साथ आप प्रेजेंट कैसे करते हो वो मैजिक होनी चाहिए, वो क्षमता होनी। सो दिस फिल्म विल बी अ वेरी गुड एंटरटेनर, इट एंटरटेन मी बिकॉज मैं हंसते गया। ऑफकोर्स इट इज नॉट एज गुड एज स्त्री टू, बट देन दिस ऑल्सो गेव मी अ लॉट ऑफ एनर्जी। बट देन फ्रॉम द कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, जो बताया गया है व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, जो हमारे आम जिंदगी में जो हो रहा है कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, जो हम लोग हमेशा बॉलीवुड को दोष देते हैं, आम कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जो हो रहा है वो बहुत बहुत गंदा हो रहा है। हम लोग पूरी चीज़ों को हम वेस्ट से लेके आके, अमेरिका यहाँ से, यूरोप से लेके आके, हम उसको ये अपनी ज़िंदगी में उतार रहे हैं, नहीं वो बहुत बुरी बात है, वो नहीं होना चाहिए। यू शुड नेवर चीट योर लव्ड वंस। लाइक कौन सी ज़्यादा एंगेजिंग रही? बहुत, मेरे लिए दोनों सही थी। अक्षय कुमार की बात करें तो उनकी डायलॉग को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है कि चीप डायलॉग्स बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो इट इज गोइंग विद द मूड एंड द टेम्पो ऑफ द फिल्म। आई एम सॉरी, अगर कोई ऐसा बोलता है उसको फिर आर्ट की समझ नहीं है। इट इज गोइंग विद द मूड एंड द टेम्पो ऑफ द फिल्म। इनफैक्ट डायलॉग्स ऐसे ही है पूरे फिल्म में, और वाई अक्षय कुमार, एवरी वन इज अटरिंग दोज काइंड ऑफ डायलॉग्स। सो इट इज नॉट फॉर द एल्डर जेनरेशन, इट इज ओनली फॉर द यंगर जेनरेशन। इट इज नॉट फॉर रूरल एरिया ऑडियंस के लिए नहीं है, ये ओनली अर्बन एरियाज के लिए है, एजुकेटेड क्लासेस के लिए है, और ये नहीं रूरल, ये अर्बन ऑडियंस के लिए है। तो थीम ही ऐसी है, क्या करें, अगर थीम ही ऐसी है तो कोई पिक्चर बताई जाएगी। तापसी पन्नू, मानिक, वेरी गुड, तापसी पन्नू द सेकेंड बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द फिल्म। वो अल्कोहल लेना शुरू कर देती है जब सुनती है कि उसका हस्बैंड जो है एमी वर्क, वो अफेयर में फंस जाता है कहीं पे, तो फिर बात है वो जो परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने। बट आई एम टेलिंग यू द बेस्ट परफॉर्मर, आई सल्यूट अक्षय कुमार, इज अ बाप ऑफ अ परफॉर्मर, अ बाप कॉमेडी एक्टर। क्या एक्टिंग करता है यार वो आदमी, क्या एक्टिंग करता है। उसका सेकेंड इनिंग्स अब शुरू हुआ है,
जब जब आपको पता है जब गरम मसाला आया था उसका फर्स्ट सीरीज शुरू हुआ था वी लव्ड हिम बिकॉज़ ही एंटरटेन्ड अस यार वो जो एक्सप्रेशन से वो जो डायलॉग बोलता है हैट्स ऑफ टू अक्षय कुमार आई रियली लव हिम ही शुड नॉट डू एनी अदर रोल बट एक्सेप्ट कॉमेडी रोल उसको यही सूट करेगा अभी बिकॉज ऑफ हिज एज व्हाटएवर इट इज नाउ इफ इट हैज टू सूट देम इट विल ओनली सूट दिस काइंड ऑफ Street 2, again, you are fabulous, mind blowing. वो छोटा सा रोल है, पर उसने पूरा कंधे पे उठा लिया है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ यार, एक साथ तीन फिल्में, एक ऑडियंस है, घर से निकल के आता है, फैमिली के साथ जाएगा,